नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो गया है। सीएम शिवराज और रेल मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे, तो देश को समर्पित कर दिया गया कमलापति रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम समर्पित कर दिया कमलापति रेलवे स्टेशन को। सीएम शिवराज और रेल मंत्री भी इस दौरान इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे। तो अहम खबर और बड़ी खबर है, भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो देश को समर्पित कर दिया गया। ये रानी कमलापति स्टेशन भोपाल की तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए वो नजर आए और रेल मंत्री उनके साथ मौजूद रहे, उनको अपडेट दे रहे थे, एक एक चीज के बारे में बारीकी से वो समझा भी रहे थे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री भी बेहद शांत अवस्था में उसको सुन भी रहे थे, शांति के साथ उस बात को सुन भी रहे थे, एक एक चीज को वो बारीकी से समझ भी रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें, तो सीएम शिवराज और रेल मंत्री भी मौजूद रहे उनके साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब निकल चुका है और काफिला एयरपोर्ट की ओर निकला है। हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 3 घंटे 50 मिनट का जो राजधानी भोपाल में कार्यक्रम था वो लगभग पूरा खत्म हो चुका है और आप देखेंगे रानी कमलापति स्टेशन से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। यहां से हेलीपैड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंबूरी मैदान जाएंगे, यहां से वो सीधे भोपाल एयरपोर्ट जाएंगे जहां पर वो उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 घंटे 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम चला। सबसे पहले जंबूरी मैदान में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित करा जहां पर लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हुए थे और कई योजनाओं का भी वहां पर आदिवासी समाज को सौगात दी। और इसके बाद वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंचे, यहाँ से वो रोड के जरिए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। रास्ते भर में जबरदस्त तरीके से लोगों ने स्वागत किया, उत्साह भी लोगों के अंदर देखने को मिला। आधे घंटे करीब वहां पर रुके और उसके बाद अब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंचे, यहां से हेलीपैड के जरिए वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये कह सकते हैं कि भव्य आयोजन था और उतनी ही गर्मजोशी से भोपाल के वासियों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया है। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ शबराम अहमद, News24 भोपाल। तो प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है, एयरपोर्ट पर पहुंचा और ये उस वक्त की तस्वीर जब लोकार्पण उन्होंने किया, रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर है, पीएम मोदी को यहां पर रानी कमलापति की प्रतिमा भी भेंट की गई। पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ये देखिए। तो इस स्टेशन की भव्यता को आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से ये चलने वाला है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन की खासियत। रिटायरिंग रूम और डोर की एंट्री और एग्जिट अलग अलग यहां पर बनाए गए हैं, रिटायरिंग रूम की व्यवस्था है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग रुक सकते हैं, उनके ठहरने के रुकने की व्यवस्था है। तो यहां पर जो वेटिंग रूम है, वेटिंग लॉज है, वो एक भव्य तरीके से बनाया गया है। दिव्यांगों के हिसाब से एंट्री यहां पर अलग बनाई गई है, एस्केलेटर की सुविधा है हर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की। इसके अलावा करीब 1.5 से 2 हजार लोग यहां पर रुक सकते हैं, एक साथ वेटिंग एरिया में इंतजार कर सकते हैं गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। जो उनका स्टेशन है जहां पर ट्रेन रुकेगी उसका इंतजार वो कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेन लेट है, डिले है और देरी से वहां पर पहुंचने वाली है तो इस वेटिंग रूम में जाकर इंतजार किया जा सकता है। तो स्टेशन के बाहर अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है, 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरे यहां पर लगाए गए हैं, सीसीटीवी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है। तो स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स बनाया गया, इसके अलावा स्टेशन परिसर में जगह जगह पर एलईडी लगाए गए, यानी कि आपके ट्रेन से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी उन्हीं एलसीडी स्क्रीन्स पर आपको नजर आएंगी और आप लगातार अपडेट होते रहेंगे।
तो पीएम मोदी ने यहां पर रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण किया। और ये देखिए, तो यहां पर एंट्री और एग्जिट अलग अलग बनाए गए हैं। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, लिफ्ट और एक्सलेटर के जरिए प्लेटफॉर्म का रास्ता। और ये देखिए, ये आज 8 तस्वीरें हैं ये आज की, और इन 8 तस्वीरों के जरिए आज पूरे दिन के कार्यक्रम को आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी और जनजातीय समारोह को किस तरीके से भव्य यहां पर बनाया गया, कई योजनाओं की शुरुआत हुई, सौगात दी गई कई योजनाओं की, आदिवासियों को सम्मानित किया गया, बड़ी संख्या में यहां पर जनजातीय समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जुटे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक नृत्य करते हुए, पारंपरिक गीत को गुनगुनाते हुए ये सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। तो बिरसा मुंडा को नमन किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया, देश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्ज्वल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश